हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम कभी बाहर रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो कुछ अलग ज़रूर ट्राई करते हैं, जिसमें कि पनीर लबाबदार का नाम ज़रूर आता है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार, वो भी घर में बिल्कुल आसान तरीके से। और ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज को एंजॉय कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पे चढ़ा दी एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं। और इसमें डाल देंगे अब हम 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये मैंने 6 से 7 काजू लिए हैं, 5 से 6 बादाम और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो सबसे पहले हम तेल में डाल देंगे लहसुन और अदरक, उसके बाद डाल देंगे काजू और बादाम और इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और ये जब थोड़े से भुन जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबलस्पून मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं। अगर आपके पास खरबूजे के बीज नहीं हैं तो आप काजू और बादाम की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इन्हें भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ये डाल देंगे 2 प्याज, मैंने इसको ऐसे रफली चॉप्ड कर लिया है, इसे डाल देंगे। और प्याज को हम बिल्कुल हल्का सा लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हो चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 टमाटर जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, इन्हें डाल देंगे। और जब हम टमाटर डालेंगे तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। ये देखिए, ये देखिए लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे, जिससे कि ये जल्दी से पक जाए, टमाटर हमारे एकदम मशी से हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए 2 मिनट हमने इसे ढका था और उसके बाद देखिए टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल मशी हो गए हैं। तो यहाँ पर ये हमारी ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर पक चुके हैं और गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, ये देखिए। और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल गरम गरम नहीं पीसेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब इसका हम एकदम स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे, पानी नहीं डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ध्यान रहे कि इसे आप ठंडा करके ही, इसे बिल्कुल गरम ना पीसें। तो अब हम चढ़ा देंगे, सेम कढ़ाई मैंने फिर से गैस पर चढ़ा दी है और उसमें डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल या आप घी या बटर भी ले सकते हैं। और उसके बाद तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। उसके बाद उसमें हमने डाल दी है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। ध्यान रहे कि तेल आपका बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं मसाले तुरंत जल जाएंगे। और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, उसके थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप नॉर्मल मिर्च यूज़ कर रहे हो तो उसे थोड़ा कम डालें। और इसे हम थोड़ा सा 1 मिनट बस खाली फ्राई करेंगे। और इसके बाद हमने ये जो पेस्ट बनाया हुआ है प्याज टमाटर का, इसे डाल देंगे और इसे डालकर भी हम इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अच्छे से इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे, नहीं तो मसाले नीचे से लग सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए हो।
ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। ध्यान रहे कि नमक आपने जब आप ग्रेवी बना रहे थे तब भी डाला था, तो उसी अकॉर्डिंग आप नमक डालें, नहीं तो नमक ज़्यादा भी हो सकता है। और इसे हम ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। साइड में देखिए बिल्कुल तेल आ चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इसे एक बार चला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो यहाँ पर ये मैंने 400 ग्राम पनीर लिया था, थोड़े से ये मैंने कट कर लिए हैं और 100 ग्राम के लगभग पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें ग्रेटेड पनीर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और रिच हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से डाल देंगे और अब पनीर के क्यूब्स भी डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से इसे चलाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच क्रस्ट कसूरी मेथी। और थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला लास्ट में डालेंगे जिससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आए। मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल पक गई है। देख सकते हैं साइड में कैसे ऑयल आ रहा है। ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से धनिया पत्ते और सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और सच बता रही हूँ ये सब्जी नान, गार्लिक नान सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक सर्विंग प्लेट, इसमें निकाल लेंगे सब्जी। सब्जी का कलर देख के लग रहा है ना कि अभी तुरंत खा लें, सच में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और बनाना भी इसको बहुत आसान है। आप इसे नान, गार्लिक नान, रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी खाएं, सबके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। और इसे गार्निश करने के लिए इसके ऊपर से हम थोड़े से ग्रेटेड पनीर डाल देंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।